फ्रेंड्स, सुरडक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल। आज मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आप बैटरी को काट के दिखाऊंगा। जो बाइक की बैटरी होगी, मोबाइल की बैटरी और पावर बैंक की बैटरी होगी, तो उसको मैं काट के आपको दिखाऊंगा अंदर क्या क्या आता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हम ये तीनों बैटरी को काट के देखेंगे। बैटरी वाली है ये बाइक की बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी है, और ये भी पावर बैंक जो हमारा आता है ना, उसकी बैटरी है। तो अब हम इसको काट के देखेंगे। पहले हम इसी को काटेंगे, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से वो कट जाएंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिए। देख लो कितनी आसानी से वो कट चुका है। ये पहली लेयर थी, ये दूसरा लेयर। हम इस कटर हैंडल को भी निकाल लेंगे पहले, ताकि अच्छे से कट हो जाए। तो मैंने प्लायर ले ली है, प्लायर की मदद से दोनों टर्मिनल को मैं खींच के निकाल लूँगा। अब चाकू की मदद से ये उपली वाली हिस्से जो आप देख सकते हो, जो उसकी सीट की फर्स्ट लेयर है, उसको हम काट देंगे पहले चाकू की मदद से। ये बीच में से ही फट चुकी, चलो कुछ बात नहीं, अच्छे से उसको निकाल लेंगे। जो ये ब्लैक, पूरा ब्लैक दिखता है ना, जो सीट, जो पूरी ब्लैक सीट दिखती है ना, वो कार्बन होती है। और ब्लैक और जो थोड़ा सा भी कॉपर दिखे, वो कॉपर की सीट होगी। वो कॉपर वाली सीट प्लस हो गई और कार्बन वाली सीट माइनस होगी। प्लस और माइनस में आपको नहीं कुछ समझ में आया तो प्लस माइनस, प्लस बोले तो पॉजिटिव, माइनस बोले तो नेगेटिव। आप देख सकते हो ये मैंने ओपन कर दिया, काफ़ी ख़राब बदबू आ रही है इस बैटरी में से। जो आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉपर दिख रहा है अब। तो जो कॉपर वो है वो प्लस वाली लेयर है, और जो इसके ऊपर जो आ रही है ब्लैक, ये माइनस लेयर है कार्बन। चलो टाइम बैटरी को हम साइड पर रख लेते हैं और दूसरे वाली बैटरी को हम ले लेंगे। हमने ये वाली बैटरी जो मोबाइल की है, उसको हम निकालने वाले हैं। निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं निकाल लिया अभी। अब आप देख सकते हो लेयर की तरह ये चिपकी हुई है, एक उसका कोल लगा हुआ है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो हमारे हमने अगली बैटरी जो हमने देखी, वैसे उसके लेयर भी निकल रही है। आप देख सकते हो ये पूरी ब्लैक, ये वो ब्लैक लेयर है, वो कार्बन की लेयर है, और दूसरी लेयर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये पूरी कार्बन जो पूरी ब्लैक दिख रही है, इसको ये दूसरी वाली लेयर आप देख सकते हो। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारी कॉपर की लेयर है, तो थोड़ा इसमें तांबा दिख रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारी कार्बन, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और ये वाली जो पॉजिटिव है, जो नीचे पड़ी हुई है, वो ये हमारे दूसरे हाथ में है, वो नेगेटिव। अगर हम उस बैटरी को भी साइड कर लेते हैं और बाइक की बैटरी भी आ जाती है। तो हमारे लास्ट वाली बैटरी को हम ओपन करेंगे। अब उसको हम काटने के लिए मैंने ये वाली मिक्सी ब्लेड का इस्तेमाल किया है।
आप लोग देख सकते हो काफ़ी मेहनत किया बाद में ओपन हुई है। तो ये देख सकते हो जो ये जो है तो वो धातु की है और ये वाइट जो इंसुलेटेड है हम उसको निकाल रहे हैं। जो वाइट इंसुलेटेड को हम निकाल रहे हैं वो आप देख सकते हो ये धातु का है जो पूरी ख़राब हो चुकी है। इसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड बनता है, इसकी जो वो केमिकल प्रोसेस से हमको बैटरी बैकअप देता है। आप देख सकते हो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में हो चुकी है। ऐसे भी आप एक बार बैटरी को खोलेंगे तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में हो जाएगी। जो ये वाइट पार्ट है वो हमारा इंसुलेटेड है। दूसरा लेयर भी हम निकाल लेंगे। जो हमारा वो वाइट वाला पार्ट आपने देखा ना जो इंसुलेटेड, वो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है तो हमारी बैटरी में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए वो ये डाटो वाली जो मैंने आपको बताई। और वो जो ये जो हम निकाल रहे हैं ये इंसुलेटेड है, ऐसा हमारे बैटरी में सब सारा प्रोसेसर होता है। आप देख सकते हो ये मोबाइल की बैटरी में 6 पार्टीशन क्यों हुआ था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।